नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सांखला अर्जुन क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन शुरू कर रहे हैं टेस्ट पेपर नंबर 18 और उसका भाग ए और उसमें रीजनिंग के सवाल जो 1 से 45 है। आपने कल टेस्ट दिया था, उम्मीद है आपने सभी सवाल सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन टेस्ट पेपर थोड़ा इस स्तर का था, इसी स्तर का परीक्षा में आने की संभावना है। हो सकता है कुछ सवाल आपसे नहीं हुए हैं, तो उसी की चर्चा है अपन कर रहे हैं, जो आपसे नहीं हुए उसको नोट कीजिएगा। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं टेस्ट पेपर नंबर 18। एक दो छोटी मोटी गलतियां भी हैं, वो करेक्शन करवाऊंगा मैं। अब गलतियां तो हो जाती है, आपके एग्जाम का पेपर आता है, इतने बड़े लोग अधिकारी लोग बनके बनाते हैं पेपर, उसमें भी गलती हो जाती है। हम तो एक बहुत छोटे से प्राणी है, हमसे भी गलतियां हो सकती है, तो एक दो गलतियों का करेक्शन है वो मैं करवाऊंगा साथ में। दोस्तों शुरू करते हैं भाग ए रीजनिंग व कंप्यूटर और पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पासे का दिया है, एक पासे के 3 चित्र दिए गए हैं, ये कह रहा है इस पासे को खोल दें तो कौन सा चित्र इसके सही रूप को प्रदर्शित करेगा। तो आप देखें कोई दो पासों को कंपेयर करके पहले विपरीत अंक पता करें। जैसे अपन इन दो पासों को कंपेयर करें, जैसे कि यहां और यहां, इन दोनों में देखें कोई चीज कॉमन है क्या, यहां एक चीज कॉमन है सी और यहां क्या है सी। जब पासे के 2 चित्रों में कोई एक चीज कॉमन होती है तो घड़ी की दिशा वाला नियम लगता है, सबसे पहले लिखेंगे सी, सी से घड़ी में घूमे तो बी और बी से घड़ी में घूमे तो ए। अब दूसरा पासा लेंगे, इसमें भी शुरुआत सी से, सी से घड़ी में घूमे तो डी और डी से घड़ी में घूमे तो ई। अब क्योंकि सी 2 बार आया है तो सी 2 बार नहीं लिखेंगे, तो ए बी सी डी ई एफ में से एक चीज गायब है, वो है एफ। तो अपन इस सी को हटा के यहां अपन क्या लिख देंगे दोस्तों, एफ। तो देखें यहां अपन को पता चला है कि सी का विपरीत एफ है, बी का विपरीत डी है और ए का विपरीत ई है। अब देखें इस पासे में, देखें ए का विपरीत आपको सी दिख रहा है, क्या प्रश्न में ए का विपरीत सी है क्या, नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसमें भी ए का विपरीत सी दिख रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। या देखें ए का विपरीत कितना दिख रहा है ई, प्रश्न में भी ए का विपरीत ई है। या बी का विपरीत डी दिख रहा है, प्रश्न में भी बी का विपरीत डी है। और यहाँ सी का विपरीत एफ है तो प्रश्न में भी सी का विपरीत क्या दिख रहा है, एफ। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल पासे के प्रसारित रूप को सही प्रदर्शित करता है। तो पहले प्रश्न का जो आंसर आएगा वो दोस्तों आएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहां देखें, यहां इस पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहां देखें आप पासे का एक प्रसारित रूप बना दें। अब इस प्रसारित रूप में इन दो को कंपेयर करें तो यहां देखें आपको एक चीज कॉमन आ रही है 4, है ना। तो यहां पे भी 4 हैं तो आप इस 4 को मध्य में लिख दें। अब इस 4 से घड़ी में घूमे तो 2 आएगा और 2 से घड़ी में घूमे तो 3, तो 4 से यहां घड़ी में घूमे तो 2 और घड़ी में और आगे घूमे तो क्या आएगा दोस्तों, 3। अब यहां 4 से शुरुआत करें तो एक साइड 6 आएगा और एक साइड क्या आएगा 5, तो 4 से घड़ी में घूमे तो 6 और 6 से आगे क्या आएगा 5। अब एक ही नंबर बचा है 1, आप उसको यहां नीचे लिख सकते हैं, यहां क्या आएगा 1। अब कंपेयर करें दोस्तों, यहां देखें 2 से शुरुआत करें तो 2 प्रश्नवाचक चिन्ह और 5, या 5 से शुरुआत करें तो 5 2 और 2 के बाद क्या आना चाहिए, तो यहां देखें 5 5 के बाद 2 और 2 के बाद घड़ी में घूमे तो क्या आएगा 4, तो 5 2 और 4, तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों कौन सा अंक मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। और यहां 4 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर होते हैं जिनको वास्तव में देखने पर, दर्पण में देखने पर और जल प्रतिबिंब में देखने पर एक जैसे दिखते हैं दोस्तों। ऐसे 4 अक्षर होते हैं, कितने होते हैं 4, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, एच आई ओ और एक्स, ये 4 अक्षर ऐसे होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, चाहे इनको वास्तव में देखो, चाहे दर्पण में देखो, चाहे इनको जल में देखो, ये एक जैसे ही दिखाई देते हैं, तो उत्तर आएगा दोस्तों 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, 12 बार बजने में कितना समय लेती है, 33 सेकंड का। तो प्रश्न है कि वह घड़ी 8 बार बजने में, 8 बार बजने में वह कितना समय लेगी। तो इस प्रश्न में दोस्तों आपको यह याद रखना है कि 33 सेकंड का समय लगता है 12 बार बजने में, क्योंकि पहली बार बजती है उसका समय अपन नोट नहीं कर पाते हैं, तो यहां 12 की जगह आप क्या लिखेंगे 11। अब उसने कहा कि घड़ी को 8 बार बजाना है, तो इसमें भी पहली बार का समय नोट नहीं कर पाएंगे, तो 8 की जगह कितना लिखेंगे 7, यानी यहां से भी एक कम करना है और यहां से भी एक कम करना है, यानी 33 सेकंड में 11 बार तो 7 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो यहां 11 से 33 को काटे 3 और 7 × 3 दोस्तों कितने सेकंड लगेंगे, 21 सेकंड लगेंगे, और 21 सेकंड जो है दोस्तों वहां आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है प्रश्न संख्या 4 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन मतलब कौन सी तारीख, तीन तारीख को, कौन सा वार है, सोमवार, अब लिखा है तो उस माह के 21वीं तारीख से, देखो 21वीं तारीख से है यानी 21वीं तारीख भी शामिल रहेगी, विद्यार्थी इसी में गलती करते हैं, 21वीं तारीख से पांचवा दिन, तो 21वीं तारीख से बोला मतलब पहला दिन 21वीं तारीख ही होगी, 21, 22, 23, 24 और 25, तो यानी आपको इस महीने की 25 तारीख का कौन सा वार है ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखें यहां से यहां दिन कितने होते हैं, इसके लिए 25 में से 3 घटाएंगे तो कितने दिन होंगे, 22, और 22 में 7 का भाग दिया, 7 * 21, शेषफल कितने बचे हैं, 1, तो आपको सोमवार में एक दिन जोड़ना है दोस्तों, तो उत्तर क्या आएगा, मंगलवार। कई लोगों ने इसका बुधवार उत्तर निकाला होगा लेकिन उसको शेष से ध्यान रखना था, तो सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, और मंगलवार जो है यह ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला 6 नंबर प्रश्न है, पुजारी ने भक्त से कहा कि मंदिर की घंटी 50 मिनट के लगातार समय के अंतराल पर बजती है, अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बज चुकी है और अगली घंटी 7:50 पर बजेगी, अगली घंटी दोस्तों कब बजेगी, 7:50 पर, इसका अर्थ ये है कि पहले वाली घंटी इससे 50 मिनट पहले बजी थी, यानी कब बजी थी, 7 बजे। अब सवाल है कि लगातार समय अंतराल पर बजती है, अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बज चुकी है, पुजारी किसी से कह रहा है कि ये जो अंतिम घंटी बज चुकी है 10 मिनट पहले बज चुकी है, यानी जब पुजारी बात कर रहा था तो समय कितना था, 7:10, पुजारी बात कर रहा था 7:10 पर, तभी तो उसने कहा कि अंतिम घंटी जो बज चुकी है उसको कितने मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, यानी जब पुजारी ये सूचना दे रहा था उस समय समय कितना होना चाहिए था, 7:10, यहां ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 6 प्रश्न में, 7:10। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोहन का जन्म 15 नवंबर 1979 को, 15 नवंबर 1979 को हुआ, अब बताइए कि किस तारीख को वो 25 साल 1 महीने और 18 दिन का होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो दिन जुड़ते हैं, दिन के बाद क्या जुड़ते हैं, महीने, और महीने के बाद क्या जुड़ते हैं, साल। तो सबसे पहले आपको दिन जोड़ने हैं, कितनी तारीख में, 15 तारीख में कितने दिन जोड़ने हैं, 18 दिन। तो दोस्तों 15 में 18 दिन जोड़ोगे तो नवंबर 30 का होता है, 15 में 18 जोड़ोगे तो आपके सामने तारीख आ जाएगी 3 दिसंबर, कौन सी तारीख आ जाएगी, 3 दिसंबर 1979। अब आप देखें क्या जोड़े, महीने जोड़े, कितना महीना जोड़े, 1 महीना। अब दिसंबर में 1 महीना जोड़ेंगे तो कौन सा महीना आ जाएगा दोस्तों, जनवरी, तारीख कितनी रहेगी, 3 और 1979। अब ये देखें दिन जुड़ चुके हैं, महीना जुड़ चुका है, अब क्या जोड़ने हैं, वर्ष जोड़ने हैं, कितने वर्ष जोड़ने हैं, 25 वर्ष, 25 वर्ष दोस्तों किसमें जोड़ेंगे, 1979 में, 25 साल जोड़िए, देखें कितने होते हैं, 9 और 5 = 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 = 8, 8 और 2 = 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 10 का 0 हासिल का 1, 2004, यानी आपका फाइनली उत्तर आएगा 3 जनवरी 2004। तो यहां 3 जनवरी 2004 जो है वो दोस्तों यहां 2005 दे रखा है शायद अपन ने दिसंबर, चलिए यहां एक जैसे ही आपने एक महीना जोड़ा है तो यहां साल 1980 हो गया था दोस्तों, यहां अपने गलती की है क्योंकि दिसंबर के बाद आप उसमें एक महीना जोड़ते हैं जनवरी, वो जनवरी आएगी सर 1980 की है ना, तो यहां 1980 होगा और 4 जोड़ेंगे 2005 होगा दोस्तों, तो यहां फाइनली उत्तर आएगा 3 जनवरी 2005, और 3 जनवरी 2005 जो है यहां आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसमें यह याद रखिएगा सबसे पहले दिन जोड़ने हैं, दिन के बाद महीना, और महीने के बाद साल, और भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, 8वां नंबर, 8वां प्रश्न है, एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में, 216 छोटे घन का मतलब है कि यहाँ n का मान कितना है, 6, क्योंकि 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। अब यहाँ दे रखा है कि प्राप्त छोटे घन की भुजा, यानी भुजा की लंबाई दे रखी है दोस्तों, तो एक फॉर्मूला होता है घन में, n बराबर बड़ी भुजा बट्टा में क्या है, छोटी भुजा। या तो सवाल में बड़ी भुजा देके छोटी पूछेगा या छोटी देके बड़ी पूछेगा, कोई भी निकाल सकते हैं अपन। यहां एन का मान अपन को पता है कितना है, 6, और लिखा है छोटे घन की भुजा कितनी है,
छोटे घन की भुजा 8 है, बड़े घन की अपन को नहीं पता, उसकी जगह अपन x लिख देते हैं, तो x मतलब बड़े घन की भुजा, तो ये 8 भाग में इधर आके दोस्तों गुणा में हो जाएगा, 8 इंटू 6 कितने होते हैं 48, यानी x का मान कितना है 48, x मतलब कौन सी भुजा है, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा की लंबाई दोस्तों कितने सेंटीमीटर होगी 48 सेंटीमीटर। हो सकता है सवाल में बड़ी भुजा देकर छोटी भुजा पूछ लेता, तो अपन इस फॉर्मूले से उसका भी उत्तर बता सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में CLAIM, देखिए दोस्तों CLAIM इसको उन्होंने लिखा है EPGQW। आसान तरीका यह है कि आपको अल्फाबेट नंबर याद होने चाहिए, जैसे C का नंबर 3, L का नंबर 12, A का नंबर 1, I का नंबर 9 और M का नंबर 13। E का नंबर कितना 5, P का 16, G का 7, Q 17 और W 23। अब देखें 3 से 5 कितने प्लस हुए हैं 2, 12 से 16 कितने प्लस हुए हैं 4, 1 से 7 कितने प्लस हुए हैं 6, 9 से 17 कितने प्लस हुए हैं 8 और 13 से 23 कितने प्लस हुए हैं 10। तो अपन को सीरीज मिल गई है प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। यही चीज अपन को अब इस प्रश्न वाले एग्जाम्पल में ट्राई करनी है, जो कि एग्जाम्पल है एफ आई जी H और T। अब अपन इसके नंबर लिखते हैं, F का नंबर 6, I का नंबर 9, G का नंबर 7, H का नंबर 8, T का नंबर 20। पहले प्लस कितने करने हैं 2, फिर प्लस 4, फिर प्लस 6, फिर प्लस 8 और फिर प्लस 10। तो अब दोस्तों देखें प्लस करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है अपन को, जैसे 6 में 2 जोड़े 8, 8 पे क्या आता है H, 9 में 4 जोड़े 13, 13 पे क्या आता है M, 7 में 6 जोड़े 13, 13 पे क्या आएगा M, 8 में 8 जोड़े 16, 16 पे क्या आता है दोस्तों P, और 20 में 10 जोड़े, तो देखो दोस्तों 20 में 10 जोड़ोगे तो एबीसीडी खत्म हो जाएगी, तो 20 में 6 जोड़ेंगे 26, पीछे बचे 4 और 4 पे जो अल्फाबेट आता है वो दोस्तों कौन सा आता है D, तो यानी आपका फाइनली आंसर आएगा HMPD। HMPD जो है यहां आपके सामने ऑप्शन नंबर B में दे रखा है, तो B इसका राइट आंसर है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था ये। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां लिखा है अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 40 मीटर चलने के बाद, दोस्तों यहां स्पेस नहीं है तो मैं सवाल इसी के ऊपर बना रहा हूं, अशोक यहां से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है कितना मीटर 40 मीटर, चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है 40 मीटर, यहां से बाईं ओर मुड़ा है और कितना चला है 40 मीटर, इसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, यहां से बाईं ओर मुड़ा और यह कितना चला है 30, क्योंकि ये 40 बड़ा है तो 30 इससे छोटा रहेगा, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है, 50 चलता है दोस्तों, ये तो कितना हो गया ये 40 है तो ये भी 40, एक्स्ट्रा कितना चला है 10, 40 और 10 कितने हो गए 50, यहां से चलना शुरू किया था यहां खत्म किया था। अब पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी, तो दोस्तों ये चीज पता होनी चाहिए आपको जो कितनी है 10, और ये भी पता होनी चाहिए, तो दोस्तों यहां से यहां तक कितना चला था 40, 40 में से वापस कितना आया 30, तो ये भी कितना बचा है 10, तो यानी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखें जिस त्रिभुज का आधार भी 10 हो लंबाई भी 10 हो तो सीधा सा उत्तर आता है 10 अंडर रूट 2। क्या उत्तर आता है 10 अंडर रूट 2। कैसे आया 10 अंडर रूट 2 दोस्तों, यहां देखें यहां आपके सामने ऑप्शन में 10 अंडर रूट 2 नहीं दे रखा ना, यहां आप करेक्शन कर लीजिए, ये करेक्शन ये है 10 अंडर रूट 2 मीटर उत्तर आएगा, है ना। अब 10 अंडर रूट 2 कैसे आया दोस्तों, यहां आपका फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, आधार भी 10 है लंबाई का स्क्वायर वो भी कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100 और 10 का स्क्वायर कितना 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 200। अब यहां से स्क्वायर हटाएगा तो अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 200 की वैल्यू अपन को याद नहीं होती है, तो क्या अपन अंडर रूट 200 को अन्य भाषा में अंडर रूट के अंदर 100 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 इंटू 2 और 200 का मतलब एक ही होता है, क्या अंडर रूट 100 का मान याद होता है, बिल्कुल होता है, अंडर रूट 100 का मान क्या होता है 10, तो अंडर रूट 10 तो ये हो जाएगा और पीछे क्या ये 100 बार आके 10 बनेगा और अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 2, तो 10 अंडर रूट क्या आएगा 2। या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इस प्रकार का त्रिभुज जिसमें कर्ण भी जिसमें लंबाई भी 10 हो और आधार भी 10 हो तो उत्तर हमेशा 10 अंडर रूट 2 आएगा। मानो ये 50 होती और ये 50 होती तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उत्तर सीधा दे सकते हैं 50 अंडर रूट 2। कैसे आया वो मैंने डिस्क्रिप्टिव आपको बता दिया है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन बी में पीछे अंडर रूट 2 लगा है तो यहां आपका इसका आंसर आएगा अंडर रूट 10 अंडर रूट 2 जो ऑप्शन बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
किसी सांकेतिक भाषा में कम का कोड 6354 है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है, देखें कम का अर्थ है 6354। कैसे आया दोस्तों? आपको जब मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है उसमें आपको मैंने अल्फाबेट नंबर याद कराए थे, सीधे और उल्टे। उल्टे नंबर निकालने का तरीका है कि सी का उल्टा क्या होता है एक्स, ओ का उल्टा क्या होता है एल, यहां पे आपके एम का उल्टा क्या होता है एन और ई का उल्टा क्या होता है वी। अब आपके जो उल्टे अक्षर लिखे हैं आपने इनके नंबर लिख लीजिए। एक्स का नंबर कितना होता है 24, एल का नंबर 12, एन का नंबर 14, वी का नंबर 22। अब उल्टे नंबर में देखो 2+4 कितने होते हैं 6, 1+2 कितने होते हैं 3, 1+4 कितने होते हैं 5, 2+2 कितने होते हैं 4। तो उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। उल्टे नंबर निकाल के उनके दाहिने के अंकों को जोड़कर सिंगल नंबर बनाया गया है। अब ये चीज आपको इसमें ट्राई करनी है, G O N E, पहले आपको इनके उल्टे नंबर लिखने हैं दोस्तों। उल्टे नंबर लिखने का तरीका, आप इसके उल्टे अक्षर लिख लें, जैसे आपको गोभी का उल्टा क्या होता है टमाटर, ओ का उल्टा लव, नरेंद्र का उल्टा मोदी, ई का उल्टा वी इवनिंग। अब इनके नंबर लिखें, टी का नंबर 20, लंच कितने बजे होता है 12 बजे, मेरा तेरा साथ रहेगा, और वी का नंबर होता है कितना दोस्तों 22। अब जो प्रक्रिया यहां अपनाई थी वो वहां पे भी अपनानी है। 2 और 0 का योग कितना होता है 2, 1 और 2 कितने होते हैं 3, 1 और 3 कितने होते हैं 4, और 2 और 2 कितने होते हैं 4। तो अब आपका फाइनली उत्तर आएगा 2344। ऑप्शन में कहीं देखो दोस्तों 2344 लिखा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है गांव बी गांव ए के उत्तर में स्थित है। मानो ये ए गांव है, ए के उत्तर में जो है दोस्तों वो कौन सा गांव है, गांव बी। अगली लाइन है गांव सी गांव बी के पूर्व में स्थित है। गांव सी जो है वो गांव बी के पूर्व दिशा में स्थित है, तो ए से बी से पूर्व दिशा वो हो गई है। अगली लाइन है गांव डी गांव ए के बाईं ओर है, ए का बायां हाथ इधर होगा, तो गांव डी जो है वो गांव ए के कहां है बाईं ओर है। अब आपका प्रश्न है गांव सी गांव डी से किस दिशा में है, कि गांव सी जो है वो गांव डी से किस दिशा में है। तो गांव सी जो है वो गांव डी से किस दिशा में, तो आपको डी पे प्लस का निशान बना देना है दोस्तों। ये होती है पूर्व दिशा और ये होती है उत्तर दिशा। अब आप देखें गांव सी जो है वो गांव डी से इस दिशा में है, और पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा का नाम क्या होता है उत्तर पूर्व। तो गांव सी जो है वो गांव डी से उत्तर पूर्व में स्थित है, और उत्तर पूर्व जो है यहाँ आपके इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या नंबर 13। यहां लिखा है ओरल को 3196 लिखा है, अब कैसे लिखा है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपको ट्राई करने पड़ेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। जैसे ओ का नंबर होता है 15, अब 15 से देखो 3 बनता है क्या, लगभग नहीं बनता है। अब आप 15 से 3 की जगह 15 से 6 सोचिए कि 15 में 1 और 5 का योग कितना होता है दोस्तों 6, तो यानी यहां ये मामला बढ़ रहा है। तो आप आगे भी एग्जाम ट्राई करें, R का नंबर 18 होता है यानी 1 और 8 कितने होते हैं 9, A का नंबर 1 होता है तो 1 को तो 1 ही लिखेंगे, L का नंबर 12 होता है तो 12 में 1 और 2 कितने होते हैं 3, पूरा मैच कर रहा है यानी फर्स्ट अक्षर से लास्ट अक्षर की तरफ जा रहा है। अब आपको सवाल पूछा है रिटर्न, फर्स्ट अक्षर से लास्ट अक्षर की तरफ लिखना है। जैसे W का नंबर कितना होता है 23, तो 23 को अपन 2 और 3 कितने लिखेंगे दोस्तों सबसे लास्ट में 5, R का नंबर 18, 18 का मतलब 1 और 8 कितने होंगे 9, I का नंबर 9 क्योंकि 9 में कुछ जोड़ने के लिए है ही नहीं तो 9 ही रहने देंगे, T का नंबर होता है 20, 20 का मतलब 2 और 0 कितने होते हैं 2, T का नंबर 20, 20 का मतलब 2 और 0 कितने होते हैं 2, E का नंबर 5, 5 में कुछ जोड़ने के लिए है नहीं तो 5 ही रहेगा, N का नंबर 14, तो 14 में 1 और 4 कितने होते हैं 5। तो अपना उत्तर आया दोस्तों 55 22 995, 55 22 995, ऐसा कहां लिखा है 55 22 995, ऐसा ऑप्शन डी में लिखा दोस्तों, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एक दिन सूर्योदय के बाद, यानी प्रातःकाल का समय दोस्तों, प्रातःकाल सूर्य इधर होता है, ये सूर्य है, सूर्योदय के बाद मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी थी, मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी थी। मानो दोस्तों यहां मनीषा है और यहां एक खंबा खड़ा है इसके सामने, मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी थी,
खंबे की छाया। दोस्तों प्रातः काल सूर्य पूर्व में होता है तो छाया हमेशा पश्चिम में बनेगी, खंबे की छाया। और मनीषा इधर है तो इधर मनीषा का दायां हाथ होगा और इधर कौन सा हाथ होगा? बायां। अब सवाल है कि खंबे की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी तो बताओ वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए थी? तो देखें ये छाया इसके दाएं हाथ की ओर बन रही है। अब आपको बताना है कि मनीषा का मुंह किस दिशा में था दोस्तों? तो मनीषा का मुंह बताइए किस दिशा में है दोस्तों? दक्षिण में। तो यहाँ आपके सामने इसका उत्तर आएगा कि मनीषा का मुंह दक्षिण में होगा, तभी ऐसा संभव है। और दक्षिण जो है यहाँ आपके सामने ऑप्शन सी में दे रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से मैं किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर से उसी दिशा में होगा? पहले मेरा मुंह दक्षिण में था, अभी भी मुझे दक्षिण में ही रहना है, इसके लिए मुझे किस क्रम का पालन करना है? तो यहां आपका उत्तर वो होगा जिसमें बायां और दायां की संख्या बराबर होगी, क्योंकि व्यक्ति एक बार बायां घूम के वापस दायां घूम जाता है तो यानी उसका मुंह जहां पहले होता है वहीं रहेगा दोस्तों। तो आपको बायां और दायां की संख्या बराबर देखनी है कि कहां पे है। जैसे पहला ऑप्शन देखें, बायां कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। बायां कितनी बार है? चार बार। बायां कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। क्योंकि बायां दायां बराबर है तो ये आपस में पूरा कट जाएगा, तो यानी मेरा मुंह पहले भी दक्षिण में था तो अभी भी मेरा मुंह कहां होगा दोस्तों? दक्षिण में है। तो यानी बायां दायां की संख्या बराबर होनी चाहिए, वही इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, एक लड़की की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा कि उसकी मां का भाई, यहां थोड़ा करेक्शन है दोस्तों, उसकी मां का भाई, आगे लाइन क्या लिखा है? आगे लाइन होगी मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र। छोटा सा करेक्शन है दोस्तों, उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है। उस लड़की की, देखें यहां आपके सवाल को आप अपने ऊपर लेकर कह सकते हैं, रमेश ने कहा कि उसकी मां का भाई यानी उस लड़की की मां का भाई, एक लड़की है उसकी मां का भाई मतलब इस लड़की का कौन हुआ? मामा। कि उसकी मां का भाई, रमेश कह रहा है कि मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है। आपकी मां के पिता का इकलौता पुत्र भी आपके क्या लगता है? मामा। यानी रमेश का भी मामा, यानी इन दोनों का मामा एक ही है, यानी उस लड़की का मामा और रमेश का मामा दोनों एक ही है। तो दोस्तों उस लड़की का मामा और रमेश का मामा दोनों एक ही कब हो सकते हैं? या तो ये इसकी मां और आपकी मां एक ही हो, या इसकी मां और आपकी मां बहने हो, यानी वो आपकी मौसी भी लग सकती है। तो यहां आपके सामने दो कंडीशन है कि उस लड़की की जो मां है, कि बताएं कि उस लड़की की मां जो है वो या तो आपकी भी मां लगेगी या आपकी मौसी लगेगी। तो बताएं यहां उत्तर क्या आएगा दोस्तों? मां और मौसी। आप अपने ऊपर लेकर इस प्रकार के सवाल को आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, ये बोर्ड मास के नियम के ऊपर आधारित है। यहाँ दो चीजें बदलने का कहा है, माइनस और भाग और दो और छह को आपस में बदल, कौन सा समीकरण सही होगा? तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न हमेशा विकल्प टेस्ट के ऊपर आधारित होता है। ये प्रश्न आपका आधा या एक मिनट में भी हो सकता है, किस्मत खराब हो तो ये दो मिनट भी ले सकता है, यानी पूरा ये किस्मत पर निर्भर है, विकल्प टेस्ट है दोस्तों। अब किसी व्यक्ति ने यहाँ विकल्प शुरू किया, हो सकता उत्तर नहीं आए, यहाँ किया उत्तर नहीं आए, तो ये टोटली विकल्प टेस्ट के ऊपर आधारित है और आपकी गणित भी इसके लिए अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ देखें अपन तीसरा ऑप्शन देखें, यहाँ तीसरे ऑप्शन को अपन चेंज करें कि मैं माइनस की जगह क्या लिख दूं? भाग। भाग की जगह क्या लिख दूं? माइनस। उसके साथ साथ दो और छह को भी आपस में बदलना है, यानी जहां दो लिखा है वहां छह लिख दूं, और जहां छह लिखा है वहां दो लिख दूं, और जहां छह लिखा है वहां दो लिख दूं। अब बोर्ड मास का नियम अप्लाई करूं इस पे दोस्तों, देखें सबसे पहले भाग देते हैं, 36 में 12 का भाग कितनी बार? तीन बार। माइनस यहां कितना है? दो। बराबर कितना है? एक। तीन में से दो गया तो इधर भी एक और उधर भी एक, यानी बराबर के दोनों साइड का मान बराबर आता है तो वो समीकरण संतुलित हो जाती है। तो यहां ये आपके सामने ऑप्शन नंबर किस में हुआ है? सी में हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपने सामने आगे एक लड़की को दिखाते हुए कहा, कोई लड़की है इसको दिखाते हुए क्या कौन कह रहा है? एक व्यक्ति कह रहा है। अपने ऊपर लेकर भी सवाल को कर सकते हैं और डायग्राम बनाकर भी कह सकते हैं, ये रक्त संबंध चैप्टर में पूरा डिटेल समझा जाता है। एक व्यक्ति ने अपने आगे एक लड़की को देखते हुए कहा, लड़के को देखते हुए कहा, चलो व्यक्ति ने भी लड़के को ही देखा है दोस्तों, तो यहाँ लड़का है, इसको अपन बॉक्स में ही बनाते हैं। लड़के को देखते हुए कहा, वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है। वह मेरी पत्नी की भाभी, अब इसकी पत्नी की भाभी कब होगी? जब इस व्यक्ति के पहले कोई साला होगा और उस साले की पत्नी होगी, तभी तो उसकी पत्नी की वो भाभी लगेगी। कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, वह मेरी पत्नी की भाभी का कौन है? पुत्र है। कौन है? ये लड़का जिसका वो परिचय करा रहा है।
अब उसने लिखा है कि किंतु मैं अपने माता की एकमात्र संतान हूं। ये व्यक्ति कह रहा है मैं अपने माता की एकमात्र संतान हूं, यानी मेरा ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है। अब लिखा है मेरे पुत्र से उस व्यक्ति का क्या संबंध है। ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पुत्र का, यानी ये लड़का इसका पुत्र का, मेरे पुत्र से उसका क्या संबंध है, मेरे पुत्र से उसका क्या संबंध है, यानी मेरे पुत्र का इससे क्या संबंध है। दोस्तों तो देखें, ये इसका जो है, ये इसकी माता, माता का भाई जो है वो मामा, और मामा का लड़का क्या लगेगा दोस्तों, ममेरा भाई। तो यानी वो व्यक्ति उसका ममेरा भाई लग रहा है, या ऑप्शन में चचेरा और ममेरा दोनों लिखा है, तो अपना ममेरा भाई उत्तर आ रहा है, जो कि ऑप्शन में क्या लग रहा है, सी ऑप्शन लग रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है, गोले में बना दिया, किसकी पुत्री है, बी की। बी इसकी माता भी हो सकती है या पिताजी भी हो सकते हैं। बी सी की माँ है, बी को बोला है माँ है, माँ है मतलब गोले में बना दिया, बी माँ है किसकी, सी की। तो सी जो है वो ए का भाई या बहन कुछ भी लग सकता है। डी सी का भाई है, डी भाई है, सी का भाई है, तो आप इसको बॉक्स में बना सकते हैं। यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है, डी जो है वो ए के क्या लगता है। तो आपको दिख रहा है कि डी जो है वो ए का क्या लगता है, भाई लगता है। तो डी का ए से भाई का संबंध है, और भाई जो है यहाँ आपके सामने ऑप्शन बी में दे रखा है। बाकी आप रक्त संबंध डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें आपको डायग्राम की पद्धति भी समझाई जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां दोस्तों आपके बहुत ही शानदार इस चैप्टर में 2-3 प्रश्न दिए गए, इसमें बहुत दिमाग खपाना पड़ता है, लुप्त पद से संबंधित है। लुप्त पद के आपको मैंने कहा लाखों सवाल बने हुए हैं, उन लाखों सवालों में से 2-3 सवाल मैंने इस एग्जांपल में भी यहां लिखे हैं इस चैप्टर में पेपर में। अब यहां देखिए बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, आपने भी कोशिश की होगी, कई विद्यार्थियों को उत्तर आए होंगे, कई कुछ के अभी तक नहीं आए होंगे। देखे इसका क्या लॉजिक है, देखे यहां 5 × 2 किया गया कितना है 10, 4 × 5 किया गया कितना है 20, 20 और 10 का योग कितना होता है 30। यहां देखें 7 × 3 किए गए हैं 21, और 2 × 1 किया गया है 2, 21 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 23 होते हैं। यहां 8 × 4 कितने होते हैं 32, 5 × 2 कितने होते हैं 10, 32 और 10 कितने होते हैं 42। अब आगे अपन उत्तर बता सकते हैं, तो यहां अपन क्या करेंगे 6 × 2 कितने होते हैं 12, 3 × 3 कितने होते हैं 9, 12 में 9 जोड़ोगे दोस्तों तो 12 और 9 का योग कितना होता है 21। तो आपको 3 एग्जांपल दिए थे समझाने के लिए, उनको देखकर आपको पहचानना था कि कौन सा उत्तर हो सकता है। 21 इसका राइट आंसर है, जो कि दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक बिजनेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है। तो दोस्तों हाथ मिलाने वाले सवाल में एक फॉर्मूला लगता है N (n-1)/2। ये फॉर्मूला लगता है हाथ मिलाने के सवाल में, गले मिलने के सवाल में, और मैच खेलने के सवाल में ये फॉर्मूला लगता है। N का मतलब यहां आपको प्रश्न में दे रखे हैं 10, तो व्यक्ति 10 हैं, एक कम किया तो 9, और बट्टा में कितना 2, 2 से 10 को काटा तो 5 बार, और 9 × 5 कितने हो गए हैं 45। तो 45 इस प्रश्न का सही उत्तर है, और 45 जो है ये आपके सामने ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्ट्रीट लाइन के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गड़े गए हैं, 50 मीटर के अंतराल पर हर दो खंभों के बीच की दूरी, जैसे एक खंभा लगा है, ये खंभा लगा है, दूरी कितने मीटर है 50, अगला खंभा लगा है, दूरी कितनी है 50। अब आगे लिखा है प्रथम तथा नौवें पोल के बीच की दूरी, प्रथम और नौवें पोल के बीच की दूरी। तो देखें पहला पोल और नौवां पोल, तो दोस्तों देखें पहला पोल और नौवां पोल गिनोगे तो उनके बीच की दूरी निकालोगे तो ये पहला पोल नहीं गिना जाएगा, दूरी यहां से शुरू होगी। तो यहां आपके सामने 8 पोल की दूरी, 9 की जगह कितना लिखोगे 8, एक पोल के बीच की दूरी कितनी है 50, तो 8 × 50 कितने हो गए दोस्तों 400 मीटर की दूरी होगी पहले और नौवें पोल के बीच में। तो ये 400 मीटर जो है ये आपके सामने ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। मानो यहां नौवें पोल की जगह लिखा हुआ था 13वां पोल, तो 13वां पोल और पहले पोल की दूरी है तो अपन 13 पोल की जगह कितना लेते दोस्तों 12, 12 × 50 करते तो उसका उत्तर आ जाता। तो अगले बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फिर से वैसे डिजाइन दे रखी है लुप्त पद का, लेकिन सेम लॉजिक नहीं होगा, कुछ और लॉजिक होगा। अब देखें क्या लॉजिक है यहां का, यहां आप देखें 8 और 5 कितने हो गए हैं 13, 1 और 2 कितने हो गए हैं 3। अब बताओ 13 और 3 कितने हो गए 16, ये 16 किसका वर्ग होता है दोस्तों 4 का। वैसे ही 3 और 7 कितने हो गए हैं 10, 9 और 6 कितने हो गए हैं 15। अब बताओ 10 और 15 कितने होते हैं 25, ये 25 किसका वर्ग होता है दोस्तों 5 का। वैसे ही 1 और 1 कितने हो गए हैं 2, 2 और 0 कितने हो गए हैं 2। अब 2 + 2 कितने हो गए दोस्तों 4, ये 4 किसका वर्ग होता है दोस्तों 2 का। सब में एक जैसा लॉजिक है। यहां पर अब देखें
चार और दो कितने हो गए हैं, छह, एक और दो कितने हो गए हैं, तीन। अब बताओ छह और तीन को जोड़ेंगे तो नौ, और बताओ नौ किसका वर्ग होता है, तीन का। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा दोस्तों, तीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये लुप्त पद से संबंधित है। हर बार मैं आपको पेपर में लुप्त पद के अलग अलग प्रश्न देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके पास कोई किताब वगैरह नहीं हो तो आप मेरे टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन को देखकर भी बहुत सारे लॉजिक पता कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की तीन गुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की तीन गुनी है। मानो गर्ल्स एक हैं तो बॉयज कितने होंगे दोस्तों, तीन। अब बताओ इसको एक अनुपात तीन में है, यानी दोनों का योग कितना होना चाहिए, चार। अनुपातों का योग कितना होना चाहिए, चार। नीचे दिए गए संख्याओं में कौन सी संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या को व्यक्त नहीं करती है, या अनुपातों का कुल योग क्या है, चार। कौन सी संख्या प्रदर्शित नहीं करती है जिसमें चार का भाग नहीं जाएगा, बताओ। क्या 48 में चार का भाग जाता है, 44 में जाता है, 40 में जाता है, लेकिन 42 में चार का भाग नहीं जाता है। तो ये जो 42 दे रखा है, ये इस सवाल का उत्तर है। वो संख्या की विद्यार्थियों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फिर से वही लुप्त पद की तरह है दोस्तों। यहां आपके सामने डिजाइन तो वही है, लेकिन लॉजिक बिल्कुल कुछ अलग होगा। यहां देखें, यहां लॉजिक क्या है, आसानी है। छह और चार कितने हो गए, दस। दस या पांच और दो कितने हो गए, दस। दस सॉरी पांच और दो कितने हो गए, सात। अब बताओ दस और सात कितने हो गए हैं, सत्रह। आठ और चार कितने हो गए हैं, बारह। पांच और छह कितने हो गए हैं, ग्यारह। बारह और ग्यारह का योग करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तेबीस। वैसे अगले एग्जाम्पल में भी दे रखा है, अपन सीधा इस एग्जाम्पल में ट्राई करते हैं, जहां से उतना उत्तर आएगा। आठ और चार कितने, बारह। तीन और सात कितने, दस। बारह और दस का योग करोगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 22। और 22 जो है ये आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेब्रा है। शुतुरमुर्ग कितने पांव का, दो। जेब्रा कितने पांव का, चार। इस प्रकार के प्रश्न में यहां आपको पूछा है शुतुरमुर्ग कितने दोस्तों, तो यहां आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। सिर का तो करना है डबल, सिर का क्या करना है, डबल। माइनस पैर का करना है आधा। ये करोगे तो उस जानवर की संख्या मिलेगी जिसके पैर कम होते हैं। बताओ शुतुरमुर्ग के पैर कम होते हैं कि जेब्रा के कम होते हैं, शुतुरमुर्ग के कम होते हैं। तो यह फॉर्मूला लगाओगे तो शुतुरमुर्ग की संख्या मिलेगी दोस्तों। यहां सिरों की संख्या का डबल करना है और पैर का आधा करना है। सिर कितने हैं, 40, तो 40 का डबल कर दीजिए। माइनस पैरों का आधा करना है, पैर कितने दोस्तों, 100, तो 100 का आधा कर दीजिए। अब बताओ 40 इंटू दो कितने हो गए, 80। माइनस 100 का आधा कितना हो गया, 50, तो कितने मिले, 30। ये 30 जो मिले हैं वो क्या है, शुतुरमुर्ग। तो बताओ दोस्तों यहाँ इस प्रश्न में शुतुरमुर्ग की संख्या कितनी है, 30। क्या याद रखना है, सिर का डबल करना है और पैर का आधा करना है। इससे जिस जानवर की संख्या मिलेगी वही जानवर होगा जिसके पैर कम होते हैं। तो शुतुरमुर्ग के पैर कम होते हैं इन दोनों में से, तो शुतुरमुर्ग की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और भी ऐसा कोई प्रश्न हो, ये फॉर्मूला लगाएंगे, उत्तर प्राप्त 100% होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका चार स्थान दाईं ओर खिसक जाती है तब वह बाएं सिरे से 12वीं हो जाती है। यहां खड़ी थी, बायां स्थान, बायां खिसकती है, कितने स्थान, चार स्थान। चार स्थान किसकी है, तो वह बाएं से 12वीं हो जाती है। बाएं से कितनी हो जाती है, 12। मानो नहीं खिसकती तो 12 में से वापिस चार घटाओ, कितने पे थी, 8 पे। कौन सी ओर से, बाईं ओर से। अब सवाल है, पंक्ति में दाएं सिरे से उसका स्थान बताना है, मोनिका का स्थान बताना है दाएं सिरे से। तो दोस्तों देखें, कुल व्यक्ति आपको पता है कि बताओ इस पंक्ति में कुल व्यक्ति सवाल में दे रखे हैं कितने हैं, 21। मोनिका जहां पहले बैठी थी वो स्थान कितना था, 8वां। किस ओर से, बाईं ओर से। बताना कहां से, बाईं ओर से। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, कुल व्यक्ति माइनस बायां स्थान पता है तो उसको घटा दीजिए और कितना जोड़ दीजिए, 1। तो आपको जो स्थान प्राप्त होगा दोस्तों वो कौन सा स्थान प्राप्त होगा, बायां। उसने वही पूछा है कि दाएं सिरे से उसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। दाएं सिरे से स्थिति ज्ञात करने का तरीका है, कुल व्यक्ति है 21, बायां स्थान जो पहले था वो 8वां था, प्लस 1 जोड़ोगे तो आपका उत्तर दोस्तों कितना आ जाएगा, 14। एक बार देख लेते हैं, 21 में से, हाँ बिल्कुल 14वां स्थान आएगा। 21 में से 8 घटाएं तो आपके सामने 13 आएगा, एक जोड़ा तो 14 आएगा। 14वां स्थान जो है ये आपके सामने प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पांच लड़के ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हैं, सीधी पंक्ति होगी, ए डी के बाईं ओर तथा
डी के बाई और बी के बाई ओर है। ए नाम का जो व्यक्ति है ये डी के तो बाएं है, ये डी क्योंकि मुंह उत्तर की ओर होता है तो इधर दायां हाथ होता है, ए डी के बाई ओर है, सॉरी ए जो है वो डी के बाई ओर है तो डी इधर आएगा तभी डी के बाई ओर, इधर बायां हाथ होता है तो ए जो है वो डी के तो बाई ओर है और बी के दाई ओर है। ये ए नाम का व्यक्ति बी के कौन से हाथ की ओर है, दाएं हाथ की ओर, दायां हाथ इधर होता है। ए नाम का व्यक्ति बी के बाएं और बी के दाएं है। आगे लिखा है ई बी के बाई ओर है, ई जो है वो बी के बाई ओर, ई के बाई बी के बाई ओर कौन है, ई ई बी के बाई ओर है परंतु ये सी के कौन से हाथ की ओर है, दाएं। ई नाम का व्यक्ति बी के तो बाएं है और सी के का है दाएं है। अब पूछा है दोनों छोरों पर कौन से व्यक्ति, छोर मतलब किनारा, एक छोर पे बैठा है सी और एक छोर पे बैठा है डी, तो आपका उत्तर होगा सी और डी छोर पर बैठे हैं जो यहां आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यदि राहुल यह पता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाई ओर से बारवा है, राहुल को पता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में, यहां राहुल बैठा है, राहुल लड़कों की पंक्ति में दाई ओर से तो कितना है बारवा है और वह बाई ओर से चौथा है, राहुल को यह भी पता है कि वह बाई ओर से कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, कितने लड़के और शामिल किए जाने चाहिए कि जिससे पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। अभी देखें राहुल की स्थिति के हिसाब से राहुल का इधर से नंबर कितना है 12 और इधर से कितना है 4, कुल व्यक्ति बताने हैं तो 12 प्लस 4 कितने 16, क्योंकि 12 में भी राहुल शामिल है और 4 में भी शामिल है, यानी इस 12 में राहुल आ गया 4 में भी आ गया, राहुल दो बार गिन लिया है इसलिए माइनस कितना करूं 1, 12 और 4 16, 1 घटाए तो 15, फिलहाल इस पंक्ति में कितने लोग हैं 15। अब उसने कहा कितने लड़के और मिला दिए जाए कि पंक्ति में कुल 28 हो जाए, बताओ 15 में कितने मिलाऊं 28 हो जाए, तो 15 में कितने मिला दो 13, 15 और 13 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, तो बताओ 28 करने के लिए कितने व्यक्ति मिलाने पड़ेंगे 13 व्यक्ति जो आपके इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में, पंक्ति मतलब मुंह नहीं दे रखा तो मुंह हमेशा उत्तर दिशा में रखना होगा, 5 सदस्यों में यू के दाई ओर तथा क्यू के बाई ओर आर हैं, यू के दाई ओर और क्यू के बाई ओर, क्यू के बाई ओर के यू के दाई ओर और क्यू के बाई ओर कौन है आर है, तो ये बैठा दिया आर जी। आगे लिखा है क्यू के दाई ओर तथा एस के बाई ओर पी है, क्यू के का दाई ओर और एस के कहां बाई ओर, के क्यू के दाई ओर और एस के बाई ओर जो बैठा है वो व्यक्ति कौन सा है पी है। अब पूछा है बताओ इस पंक्ति में विद्यमान में सबसे मध्य में कौन है, यहां मध्य का व्यक्ति पूछा है दोस्तों, तो यहां दो व्यक्ति इधर से कट गए और दो व्यक्ति इधर से कट गए तो मध्य में कौन आया है दोस्तों क्यू आया है और क्यू जो है यहां आपके सामने ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहां एक शब्द दे रखा है अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला, कांस्टेबल की एक पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो यहां आप एबीसीडी बोलना शुरू करेंगे तो एक जोड़ा तो बनेगा एन से, एन ओ पी क्यू आर एस और टी, एक तो जोड़ा बनेगा एन से टी सीधा, दूसरा दोस्तों शायद ए से बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं बन रहा है, हो सकता आर से बने R S T, जी बिल्कुल बन रहा है R से T, तो एक जोड़ा तो सीधा बन रहा है और एक उल्टा जोड़ा बन रहा है, तो इसमें दोस्तों केवल दो ही जोड़े बनेंगे, ABCD बोल के करना होता है तो ऑप्शन नंबर C इसका उत्तर है कि दो जोड़े बन रहे, एक तो N से T और उल्टे में N से T। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार अंत में आएगा, डिक्शनरी के अनुसार जमाना है, राजस्थान पुलिस में इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, डिक्शनरी में जमाना बड़ा आसान है, सब में देखें सबसे पहले आर कॉमन है, आर कॉमन है, आर कॉमन है, आर कॉमन है ना, अब देखें अगला अक्षर देखें यहां है ओ यहां है ओ यहां है ई और यहां है ए, एबीसीडी बोलने में देखो इन सब में सबसे पहले ए आता है तो यहाँ ए आता है तो इस स्पेलिंग का नंबर कितना लगेगा एक, ए के बाद ई आता है तो इसका नंबर कितना लगेगा दो, तो ये हो गया एक और ये हो गया दो, अब इन स्पेलिंगों में ओ और ओ कॉमन है तो ओ से ओ कट जाएगा, अब यहाँ अगला अक्षर है बी और अगला अक्षर कौन है सी, अब बताओ एबीसीडी में पहले बी आता है सी आता है, पहले बी आता है तो इसका नंबर लगेगा तीन और इसका नंबर लगेगा चार, आपको क्या पूछा है शब्दकोश के अनुसार अंत में कौन सा आएगा, सबसे चार नंबर पे आंसर ही आएगा रॉकेट, तो यहाँ इसका आंसर होगा दोस्तों बी, इसका सबसे अंत में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाई ओर से कौन सा अक्षर सातवां अक्षर और बाई ओर से कौन सा अक्षर
तो देखें दोस्तों, एक तो का है दाएं से, कौन सा अक्षर? सातवां, प्लस दूसरा है बाएं से, बाएं से कौन सा अक्षर कहा है आपको? छठवां। के बीच में अक्षर कौन सा होगा? तो बट्टा में कितना लगाना पड़ेगा? दो, क्योंकि दाएं से अपन को अक्षर याद नहीं रहता है, तो दाएं से अक्षर निकालने का तरीका है 27 में से कितना घटा दें? सात। 27 में से कितना घटा दें? सात, प्लस बाएं से कितना है? छह, बट्टा में कितना है? दो। दाएं से याद नहीं रहता है तो दाएं से 27 में से सात घटा देना है। अब बताओ 27 में से सात घटाए तो कितने बचे हैं? 20। आगे प्लस में कितना है? छह, बट्टा में कितना है? दो। 20 और छह कितने हो गए? 26। 26 बट्टा दो मतलब आपको 13वां अक्षर गिनना है दोस्तों। और बताओ अंग्रेजी में 13वें अक्षर पे कौन सा आता है? M। तो M इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। और भी इस प्रकार का कोई प्रश्न हो तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। M इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। तो दोस्तों जब दायां दायां एक जैसा ही आता है, दायां और बाद में भी क्या आता है? दायां, तो इनको हमेशा आपको माइनस करना होता है। दाएं से 11वां और दाएं से कितना है? 5वां। 11 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 6। और ये 6 आपको कहां से गिनना पड़ेगा? दाएं से। जैसा कि पिछले सवाल में भी कहा था, बाएं से छठा अक्षर अपन को याद नहीं रहता है, सीधा तो याद रहता है लेकिन उल्टी एबीसीडी याद थोड़ा मुश्किल रहती है। तो दाएं से आपको छठा गिनना है तो उसका तरीका है कि 27 में से कितने घटाते हैं आप? 6। और 27 में से 6 घटाते हैं तो 21। और 21 पे एबीसीडी में अपन को क्रमांक याद रहता है। 21 पे मैंने आपको याद कराया था T20 मैच। कौन सा मैच? T20 मैच। कौन खेलते हैं? युवा लोग खेलते हैं, और युवा लोगों की उम्र होती है 21 और कितने वर्ष? 22 वर्ष। तो यहां आपको इस लाइन से TUV याद रहेंगे कि T20 मैच युवा लोग खेलते हैं और युवा लोगों की उम्र होती है 21 और 22 वर्ष। यानी ये 21 नंबर का अक्षर चाहिए, वो अक्षर कौन सा है दोस्तों? यू। और यू जो है ये आपके सामने ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, एक शब्द दे रखा है, इसका एक तो पहला अक्षर लेना है, एक तीसरा, एक छठा और एक सातवां। पहला अक्षर कौन सा है? डी। पहले के बाद तीसरा कौन सा है? ई। तीसरे के बाद छठा, ये चौथा, पांचवा, छठा, छठा है एल और सातवां है कौन सा? ए। तो यहां आपके सामने चार अक्षर आए हैं, डी, ई, एल और ए। अब इसने आगे लिखा है कि इन सभी से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव है, तो कौन सा उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा? और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर वाई दे दीजिए। अब बताओ इन तीन चार अक्षरों से मिलकर क्या बना सकते हो अर्थपूर्ण शब्द? एक तो बना सकते हैं डी, डील का अर्थ आप देखते हैं, समझो सौदा करना अपन कोई, एक होता है डील बन सकता। और क्या बन सकता है दोस्तों इससे? लीड, एल ई ए डी, यानी नेतृत्व करना। तो यानी आप इससे दो अक्षर बना सकते हैं, डील और एक बना सकते हैं लीड। जैसा इसने कहा है कि यदि एक ही बनता तो दूसरा अक्षर उसका उत्तर दे देते, लेकिन यहां दो बन रहे हैं तो दोस्तों आपका उत्तर क्या देना है? वाई। और वाई जो है ये आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये सब इस लैंग्वेज में लिख रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, संख्याओं का क्रम अक्षर कोशक क्रम को व्यवस्थित करने के लिए एक सार्थक शब्द बन जाए, इनसे एक क्रम जमाना जिनसे सार्थक शब्द बन जाए। तो देखो दोस्तों इसको आप ध्यान से देखें तो मदर बन सकता है, एम ओ टी एच ई और आर। अब मदर ये नहीं लिखना है आपको, इसके नंबर लिखना है। एम का नंबर कितना? 4। तो सबसे पहले 4। ओ का नंबर कितना है? 5, 4, 3, 2। ओ का नंबर 0 है ना, तो यहां 0 लिख दिया। एम ओ टी, टी का नंबर कितना दे रखा? 5। तो टी का नंबर 5 लिख लिया। एच, एच का नंबर कितना? 3। तो एच का नंबर 3 लिख लिया। ई, ई का नंबर 1, तो ई का नंबर 1 लिख लिया। आर, आर का नंबर कितना है? 2। तो आर की जगह 2 लिख लिया। तो ये आपका उत्तर है 40, 53, 12। 40, 53, 12 जो है ये आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न का सार्थक क्रम जमाइए। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले तो क्या होगा? अपराध होगा। सबसे पहले क्या होगा? अपराध, जो 3 नंबर पे लिखा है। अपराध होने के बाद उसको पुलिस वाले पकड़ेंगे, मतलब कितना नंबर? 1 नंबर। पुलिस वाले पकड़कर उसको जज के सामने पेश करेंगे, जज कितने पे लिखा है? 4 नंबर पे। जज के सामने पेश करेंगे तो जज अपना फैसला सुनाएगा, फैसला कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। फैसला होने के बाद उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है, यानी कितने नंबर? 2 नंबर। तो ये इसका सार्थक क्रम है 31, 45, 2। 31, 45, 2 जो है ये आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी इसका राइट उत्तर होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनसे ठीक पहले 6 हो और ठीक बाद में 3 हो। ऐसी सम संख्या देखनी जैसे 6, क्या इससे ठीक पहले 6 है और बाद में कौन है 3? बिल्कुल है। और देखें ऐसी सम संख्या है जिससे तुरंत पहले तो 6 हो और तुरंत बाद में क्या हो 3। तो देखिए 3 संख्या सम नहीं है, 6 संख्या सम है लेकिन पहले 6 नहीं है। 8 है जो सम संख्या है, इससे तुरंत पहले 6 है और तुरंत बाद में कौन है 3 है। आगे देखो और सम संख्या कौन सी आती है, 4। 4 सम संख्या तो है लेकिन तुरंत पहले 6 नहीं है ना। और देखें सम संख्या कौन सी, 6, इससे तुरंत पहले 6 चाहिए था, नहीं है। आगे और देखें 6, इससे तुरंत पहले जो है वो 6 चाहिए था। सम संख्या 4, इससे तुरंत पहले 6 है और तुरंत बाद में क्या है 3। और देखो ऐसी सम संख्या कहाँ है, और सम संख्या है 2, उससे तुरंत पहले 6 चाहिए, और सम संख्या है 8, तुरंत पहले 6 चाहिए, और सम संख्या 6, तुरंत पहले 6 चाहिए, और सम संख्या है 4, तुरंत पहले 6 तो है लेकिन बाद में 3 चाहिए जो नहीं है, 6 से पहले 6 चाहिए। यहाँ एक सम संख्या है, एक देखें सम संख्या कौन सी है, 6, इससे तुरंत पहले भी 6 है और बाद में भी कितने 3। तो आपको ऐसी जितनी संख्या चाहिए वो संख्या इसमें 4 है, 1, 2, 3 और 4। 4 सम संख्याएं ऐसी है जिसके तुरंत पहले 6 है और तुरंत बाद में 3 है, और 4 जो है यहां ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वैसा है पिछले प्रश्न की तरह, सार्थक क्रम जमाना दोस्तों, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज और छापना। तो दोस्तों सबसे पहले लकड़ी मिलती है, नंबर कितना 1, उस लकड़ी को अपन कहां लेके जाते हैं, कारखाने में, यानी नंबर कितना 3। कारखाने में जाने के बाद उससे क्या बनते हैं दोस्तों, कागज, कागज नंबर कितना है 4। कागज बनने के बाद उस कागज पे छपाई की जाती है तो नंबर कितना है 5। तब कागज पे छपाई करोगे तो उससे क्या बन जाएगी दोस्तों, किताब, किताब का नंबर कितना है 2। तो इसका सार्थक क्रम जो है वो है 13-45-2, 13-45-2 जो है यहां आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक सीरीज दे रखी है दोस्तों, सीरीज भी प्रैक्टिस के ऊपर आधारित है, अनेक प्रकार की सीरीज है। फिलहाल यहां सीरीज क्या देखें, 1 का स्क्वायर, 1 छोड़कर 2 का स्क्वायर, 1 छोड़कर 3 का स्क्वायर, 1 छोड़कर 4 का स्क्वायर, 1 छोड़कर 5 का स्क्वायर। अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना लिख दूं, 25। अब बताओ 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, तो 5 में भी 1 जोड़ू तो क्या आ जाएगा 6। तो आप बताओ एक जगह तो 25 आया और एक जगह क्या आया है 6, और 25 और 6 जो है यहां आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। यहां लिखा है बड़ा सिंपल सा है, जंतु विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है, जीवों से। जंतु विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है, वैसे ही मनोविज्ञान में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जानवरों का नहीं किया जाता है, मनुष्य। तो मनुष्य जहां यहाँ ऑप्शन में कहां दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, मनोविज्ञान जो है वो मनुष्यों के अध्ययन के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सा असंगत है, इन चारों में से एक अलग है वो बताना है। तो आपको इन सब में कोई एक जैसी कॉमन चीज ढूंढनी होगी, जैसे आप 39 का तिगुना करें, 39 का तिगुना होता है 117, और 66 का तिगुना करें कितना होता है 198, 71 का तिगुना करें तो दोस्तों कितना होता है 213, 41 का तिगुना करें, 41 का तिगुना करें दोस्तों तो होता है 163, लेकिन उसने क्या लिखा है 164, नहीं 41 का 4 गुना किया दोस्तों ना, 41 का 4 गुना करते हैं तो 164 होता है। तो बाकी सब में तो 3 गुना हुआ है, लेकिन इस बी ऑप्शन में कितना गुना हुआ है 4, तो इनमें सबसे असंगत जो है दोस्तों वो बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लुप्त पद से संबंधित, इसमें भी बहुत अलग अलग लॉजिक लगते हैं, मैं आपको हर पेपर में लुप्त पद के अलग अलग लॉजिक के प्रश्न देता हूं, उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है देखें इसका क्या लॉजिक है। यहां दोस्तों इस संख्या का तो आधा किया गया है और इसका डबल किया गया है, 6 का आधा कितना होता है 3 और 11 का डबल कितना होता है 22, यानी इसका आधा और उसका डबल। अब बताओ इनको जोड़ो 22 और 3 कितने होते हैं 25, इसका दोस्तों आधा करना है और इसका क्या करना है डबल। बताओ 8 का आधा कितना होता है 4 और 6 का डबल कितना होता है 12, अब बताओ 12 और 4 कितने होते हैं 16,
इसका दोस्तों आधा करना है 12 का आधा कितना 6 और इसका डबल करना है 5 का डबल कितना होता है 10 10 और 6 जोड़ोगे तो आपके यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 16 और 16 जो है यहाँ आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये न्याय निगमन से संबंधित है। वेन डायग्राम बना के करते हैं। कुछ आम अनार हैं, ये बनाया आम, कुछ आम क्या है अनार है। अगली लाइन है सभी अनार सेब हैं, ये सारे अनार क्या हैं दोस्तों सेब। अब बताओ सारे अनार को सेब के अंदर टच करोगे तो सेब अपना आप ही किस में टच हो जाएगी, आम में टच होनी पड़ेगी। अब आपको निष्कर्ष देखने कौन से सही है। पहला लिखा है कुछ आम सेब हैं, बताओ आम सेब टच हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल 100% हो गई। अगला है सभी आम सेब है, ऐसा नहीं कह सकते सारे आम सेब है, ऐसा नहीं कह सकते, गलत हो गया है। कुछ सेब आम है, वापिस वही के सेब का कुछ भाग आम को टच हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ आपके सामने पहला और तीसरा सही है, इस प्रकार का विकल्प जो है आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज गिनने दोस्तों। तो यहां सबसे पहले दोस्तों देखें इस प्रकार का चित्र बना हुआ आपके सामने, यहां त्रिभुज गिनते हैं। ये जो आकृति में जिस पे लाल लाइन बना रहा हूं केवल उसको देखिए, ये आकृति इसमें 8 त्रिभुज होते हैं दोस्तों। मैं इसको अलग से बना देता हूं, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, आपको देखने हैं तो 8 त्रिभुज कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 और 4 ये आधा त्रिभुज, 5 ये आधा इसके सामने, 6 ये आधा त्रिभुज, 7 और आधा इसके सामने 8। तो इस आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज हैं 8। अब जैसे इस आकृति में मैंने यहां एक लाइन बनाई, यहां लाइन बनाते ही ऊपर वाली आकृति में 3 और त्रिभुज बन गए, नंबर 1 नंबर 2 और ये पूरा 3। तो लाइन बनाते ही ऊपर 3 हो गए, 8 और 3 कितने हो गए दोस्तों 11। फिर यहां लाइन बनाई गई है, इस लाइन को बनाने के कारण दोस्तों 11 के बाद ये वाला 12, ये वाला 13, ये वाला 14 और ये वाला 15। तो दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बने हुए दोस्तों 15 त्रिभुज बने हुए हैं, जो यहां आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इस प्रकार दोस्तों ये टेस्ट पेपर नंबर 18 का सॉल्यूशन है, बहुत ही अच्छा पेपर था। इसी तरह के लेवल की परीक्षा में आने की उम्मीद है, इस लेवल तक आप करिए तब आप कांस्टेबल की तैयारी को पूरा कर पाएंगे। अगला टेस्ट पेपर फिर रविवार को होगा, तैयार रहिएगा टेस्ट पेपर नंबर 19, इससे भी और अच्छा क्वेश्चन पेपर होगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।